उधर से ट्रेन आनी चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। ओ आ गई लैपिस भाई, सुनो हमको सीधा ट्रेन से ऊपर कूदना, यहाँ से भागते हुए जाएंगे। चलो दोस्तों, चलो भाई। तो ये है हम माइनक्राफ्ट की सबसे सिक्योर ट्रेन को लूटते हुए, जिसको 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट हम जैसे शरीफ। माइनक्राफ्ट, इज दैट पॉसिबल? या ऑफ कोर्स पॉसिबल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के अंदर काइंड ऑफ मूविंग ट्रेन कैसे बना सकते हैं। मैंने कल PhD भाई की वीडियो देखी एंड सारी रिसर्च कर ली है इस चीज़ के ऊपर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन आई कैसे, ठीक है। सो ये जो ट्रेन है, ये आई है एक मॉड की सहायता से, जिसका नाम है क्रेट, ठीक है। ये क्रेट करके मॉड है, जिसकी हेल्प से हम ऐसे काइंड ऑफ चीज़ें बना सकते हैं। आप खुद का अपना कारखाना बना सकते हो, जिसके अंदर काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हूँ। अभी जैसे ये वीडियो है, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर आप ऑलरेडी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप ये खुद के अपना ट्रेन का पूरा सेटअप बना सकते हो, ऐसे पट्टियाँ बना सकते हो जो ये मूवमेंट होती रहें, और साथ ही साथ खुद सामान निकल रहा है, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये इतना प्यारा प्यारा आप ऑलरेडी बना सकते हो। और ये पता है, खास बात ये है कि ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल सकते हो, इनकी क्राफ्टिंग रेसिपी रहती है, सारी चीज़ आप इस वीडियो में आप देखने वाले हो। एंड वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक प्लीज़ मार देना, ठीक है। सो इसका सेटअप, जो ये जो सर्वर रहेगा, इसका जो सेटअप रहेगा, वो हम करने वाले हैं अपने एटोनोस के सर्वर में, ठीक है। सो एटोनोस आपको अपना सर्वर एक क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे PhD भाई का नाम ही डाल देता हूँ, PhD भाई, ठीक है, सॉरी भाई, ठीक है, ये मैं नाम डाल लेता हूँ एंड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। ये क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद यहाँ पे आर क्लाइंट का एक सॉफ्टवेयर होगा, इसे आपको चूज कर लेना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आर क्लाइंट एक ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम मॉड भी डाल सकते हैं, एंड साथ ही साथ कोई आपको कोई प्लगइन आपको नीडेड होगा तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसकी सहायता से सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड मैं जो वर्जन चूज करने वाला हूँ वो है मेरा 1.80.2, ठीक है। आप ये डायरेक्ट आर क्लाइंट, अगर आपका कोई प्रीमियम सर्वर है तो डायरेक्ट यहाँ से भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, वरना अगर आपका एटोनोस का है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये सर्वर को एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। ये जैसे आपका ये होता है, डाउनलोड हो गया, एंड आपको फिर ऑप्शंस में चले जाना है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रैकड ऑन कर लेना है, ठीक है। क्रैकड ऑन करने के बाद आपको चले जाना है अपने प्लगइन्स के अंदर, एंड प्लगइन्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है, लिखना है क्रेट, ठीक है। ये जैसे आप लिखेंगे तो इसे आपको एंटर कर देना है। एंड एंटर करने के बाद ये अपना क्रेट का वो रहेगा सॉफ्ट मॉड, ठीक है। एंड एक बार आपको अगर वेरीफाई करना है कि ये वही वाला है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्ट। सो ये ओरिजिनल वाला ही है। एंड जो मैं इसका वर्जन चूज करूँगा वो रहेगा ये सबसे लेटेस्ट रहेगा कि क्रेट 1.80.2 और V051F, ठीक है। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड ये डाउनलोड करने के बाद इसका आपको एक चीज़ और डाउनलोड करनी रहेगी, फ्लाई व्हील लेगेसी, ठीक है। सो ये भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसका भी मैं लेटेस्ट ही कर लेता हूँ। ये देखो मॉड आपने डाउनलोड कर लिया, अभी आपको क्लाइंट साइड से भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक झंझट ये भी रहती है कि अगर आप मतलब अपना खुद का ये सर्वर बना रहे हो और जो जो मॉड्स आप डाल रहे हो, तो वो सारे मॉड्स आपको अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर भी डालने पड़ेंगे, मतलब माइनक्राफ्ट का जो आपका वो रहेगा टी लॉन्चर, उसके अंदर भी डालने रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना टी लॉन्चर ओपन कर लेना है। मैं इसका मॉड्स का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्कॉर्ड पर भी मिल जाएगा मेरे, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके एंड वहाँ से इजीली दोनों चीज़ें डाउनलोड करके एंड वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो टी लॉन्चर मॉड्स में क्लिक कर देना है इस जगह पर, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको ना क्रिएट कर लेनी है एक प्रोफाइल, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ PhD भाई ट्रेन, ठीक है। एंड ये करने के बाद आपको ये फॉर्ज वाला ही रहने देना है रिलीज़, एंड अपने को जो गेम वर्जन चूज़ करना है वो है अपना 1.80.2। ये करने के बाद आपको जो ये चीज़ और करनी रहेगी, वर्जन नेम आपको जो चूज़ करना रहेगा वो 40.2.4 ये आपको करना रहेगा, ठीक है। आप देख लो जो जो मैं कर रहा हूँ सेम आप वही करना, नहीं तो अगर आप थोड़ा बहुत भी चेंजेस अपने हिसाब से करते हो तो भाई फिर मेरे से कमेंट में मत कहना कि भाई वर्क नहीं कर रहा, फेक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये कर लेना है एंड आपका सर्वर ऑलरेडी चालू हो जाएगा। तो ये पुरानी वाली चीज़ें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड मेरा ये होने वाला है, ठीक है। एंड अभी जो अपनों ने वो किया था सर्वर, ये डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये भी हम अपना स्टार्ट कर देते हैं एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें वही वाला अभी प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो या थोड़ा वेट कर लेते हैं। अपनों ने यूला एक्सेप्ट करी है एंड अभी अप्रॉक्स 12 मिनट लग जाएंगे, 12 मिनट बाद दोस्तों मिलते हैं। एंड एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है कि हाँ वो जो
मॉड्स डाले थे वो हैं या नहीं है, ठीक है। सो अपने दोनों मॉड्स हैंगे ऑलरेडी। एंड एक चीज और है दोस्तों कि अभी देखो अपना वो आ गया सर्वर, ठीक है, यहाँ पे अपना आ चुका है। अब आपको मॉड्स वाले सेक्शन में चले जाना है एंड आप देखोगे यहाँ पर क्लाइंट साइड से मॉड नहीं है, तो मतलब आपको ये मॉड भी अपलोड करने रहेंगे। तो अब अपलोड कर देते हैं यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी ये करे हुए हैं तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, एक सेकंड है ना। तो ये मेरा याला मॉड था, ये इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको डन कर लेना है, क्विट कर देना है। क्विट करने के बाद एक बार आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन इसीलिए कि लाइक वो जो मॉड्स होगा वो दोबारा से रीलोड हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई सा प्लगइन ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड एडिट आपको ऐड करना हो गया या फिर एसेंशियल एक्स मनी ऐड करनी हो गई, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी वैसे ये बता ही दिया कि आप अपना मॉड सर्वर कैसे बना सकते हैं, तो आप आर्क क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है उसे चूज करके उसी के अंदर मॉड्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो भी प्लगइन्स होंगे रिक्वायरमेंट के साथ वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया आर्क क्लाइंट लगता है। एंड मैं चाहूँगा कि आप जो वर्जन चूज करें ना वैसे वो थोड़ा कमी करना, क्योंकि ज़्यादा लेटेस्ट कोई भी वर्जन चूज करते हैं ना सो प्रॉब्लम देता है, ठीक है, क्योंकि वो आउट मतलब जो भी प्लगइन होते हैं जो भी मॉड्स होते हैं वो काइंड ऑफ इतने अप टू डेट नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए वर्जन आप 1.80.2 चूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मेरा ये जो है आ गया, ठीक है। अभी मैं मेरा म्यूजिक का साउंड बहुत हाई हो रहा है तो इसे बंद किया मैंने साउंड को। एंड आप देखोगे ये जो मेरा क्रिएट वाला वो है यही वाला वर्जन था, तो ये आ चुका है। एंड आप इजीली कर सकते हो, मैं इसका डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लेना वही वाला वर्जन। एंड या एक बार कंफर्म कर लेते हैं एंड जो भी आईपी थी उसे मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही सर्वर चालू होगा अपना वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं रीनेम कर लेता हूँ PSD1 भाई। एंड दोस्तों अगर आपको जानना है कि ये काइंड ऑफ कैसे चीज़ें वर्क करेंगे, अब यहाँ पर दिखाई रहा है कि मतलब आप अपने ट्रेन कैसे बना सकते हो सारी चीज़ें, मैं एक प्लेलिस्ट भाई की दे दूंगा जिन्होंने एक्चुअल में पहले बहुत पहले ये वीडियोस डालना चालू करा था, तो आप वो सारी वीडियोस चेकआउट करके आप अपनी खुद की ट्रेन बना सकते हो, लोगों को खिला सकते हो। ऐसे सर्वर इंडिया में काइंड ऑफ बहुत कम है मॉड वाले, आप अपना खुद का एक बढ़िया सा सर्वर लॉन्च कर सकते हो जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हों। एंड या भाई इन सब चीज़ों में काफ़ी वैसे रिसर्च लगती है। अभी तक आपने लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक प्लीज़ कर दो। तो अब जैसे ही सर्वर चालू होता है तभी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा सर्वर चालू हो चुका है बहुत समय के बाद, तो ये तो मैंने आईपी डाली दी थी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड डायरेक्टली दिखा देगा कि हमारा सर्वर है। एंड अब ज्वाइन हो जाना चाहिए भाई प्यार से। सो फाइनली हम ज्वाइन भी हो चुके हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कंसोल में जाकर मैं अपने आप को यहाँ पर ओपी दे देता हूँ। ओपी की वही कमांड है जो नॉर्मली सर्वर के अंदर रहती है, बट बस हाँ। एंड हमारे पास ओपी आ चुका है। ऑल्सो मैं थोड़ा अपना कंट्रोल सही कर लेता हूँ क्योंकि मेरे कंट्रोल होने के बाद अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें अपनी वो दिखा देता हूँ। तो हम क्रिएटिव में आ चुके हैं एंड यहाँ पर जैसे आप क्रिएटिव में आओगे तो यहाँ पर आपको दूसरा सेक्शन दिख जाएगा जहाँ पर ये क्रेट्स का पूरा वो चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्रेट्स के बिल्डिंग्स वो चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे ये सोफ़ा था सीट उस ट्रेन का, सो ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे ट्रेन में यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ट्रेन का एक ये है ट्रेन ट्रैक, ठीक है। एंड ट्रेन का कासिंग है, ट्रेन स्टेशन है, ठीक है। सो ऐसे करके काइंड ऑफ आप ट्रेन बना सकते हो। मैं पूरा देखो मेरे को ये इतना बनाना आता नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। बट मैंने काफ़ी एक यूट्यूबर का वीडियोस देखे हैं तो मैं उनकी आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो आप उनकी वीडियोस देखकर पूरा सीख सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ ये बढ़िया बढ़िया ऐसे ट्रेन बनाकर। एंड यहाँ पर देखो ये ट्रेन का स्टेशन रहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने दिया यहाँ पे एंड ये हमारा ट्रेन का स्टेशन आ गया है। एंड यहाँ पर ट्रेन स्टेशन नेम दे सकते हैं आप, जैसे मैं अपने क्या दूँ चंपक चंपकपुर, ठीक है। सो मैंने ये यहाँ पर ये दे दिया एंड ऐसे करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये जो भी मतलब जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो यहीं पर रुका करेगी। सो तो दोस्तों फाइनली मैंने अपनी ट्रेन बना ली है जो कि काफ़ी बढ़िया ट्रेन ये लग रही है। अभी मैंने बस छोटी मोटी चीज़ें सीखी हैं ट्रेन से रिलेटेड तो इस वजह से मैं इतनी ही बना पाया। बट जो मैं आपको प्लेलिस्ट नीचे दूंगा वो आप पूरी वॉच करके पूरी एक दमदार भयंकर ट्रेन बना सकते हैं एंड पूरा रेलवे स्टेशन जंक्शन से लेकर सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको बिल्कुल मतलब अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।